अंकल जी, नदिया के पार इधर ही बनी नदी अकबर इधर ही बनी। रहती है अभी भी, आज की यहाँ परंपरा वही है। और यहाँ पे नदी के किनारे देखो लोग बर्तन धुल रहे हैं। हम इन लोगों से पहले थे राजश्री प्रोटेक्शन के वो मैनेजर थे, अच्छा बड़े बड़े पिताजी थे, बाबू राम जनक सिंह, जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना जस्ट उसी के सामने इस पार बर्तन धुलती रहती है। हाँ। और यहाँ जो नाव खड़ी है उसी से बैठे गुंजे और यही सीन हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मेरा नाम है विकास कुमार, आप विकास कुमार बी के एम चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं नदिया के पार, और इस शूटिंग लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा जब चंदन वेद जी का घर पता करने के लिए जाते हैं और गुंजा के ऊपर नाव चढ़ाते हैं, जब गुंजा अपनी सखी सहेलियों के साथ बर्तन धुलते थे। तो उसी नदी के तट का किनारे का सीन दिखाएंगे, और हम आपको दिखाएंगे जब गाना आता है गुंजा रे चंदन रे, तो जब वो झूला झूलते थे उसका सीन आज हमको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो अभी हम गोमती नदी के किनारे खड़े हुए हैं, और यहाँ से 10 कदम की दूरी पे वो सीन है। तो चलिए आपको मिलेंगे लोकेशन पे, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे गांव का सीन और गांव के लोगों से पूछेंगे कि नदिया के पार की फिल्म यहीं पे फिल्माए गए थे या नहीं। तो चलिए चलते हैं। गाना भी हुआ नदिया पार। अच्छा गुंजारे, तो मुझे अंकल जी मिले हैं और ये अंकल जी बताएंगे यहाँ की लोकेशन के बारे में। तो अभी हमने आपको दीपा शक्ति का मंदिर दिखाया पिछले भाग में, और इस भाग में आपको दिखाएंगे जहाँ पे बर्तन धुलते रहते हैं और गुंजा के ऊपर नाव चढ़ा देते हैं चंदन आके, नाव से आते ना, तो इसी सामने आ गया। ये सामने वाले और जो नाव खड़ी है उसी से बैठे गुंजे और यही सीन हुआ। वो दरिया में कूद भी गए थे, दरिया में कूद भी गए थे ना, वो जब नाव उनकी धक्का दे देती है गुंजा, फिर उसके बाद वो कूद के नाव निकाल के लाते हैं। अच्छा जो फिल्म वाले आए थे तो यहीं रहते होंगे वो लोग, तो यहीं नहीं, वो विजयपुर गांव में रहते थे। अच्छा विजयपुर गांव में, इधर से गांव है विजयपुर में जहाँ पे वेद जी का घर है ना, वेद जी का, सही है। और अंकल जी एक चीज बताइए, जब वो झूला वगैरह का सीन होता है गुंजारे इस नदी से जाते हैं, और वो झूला वाला सीन किस मंदिर, इस मंदिर का या उस मंदिर का? उस मंदिर का, उस मंदिर का ना झूला, वहाँ पे झूलते ना। और अच्छा एक चीज बताइए अंकल जी, और जो एक सीन बांस वाला सीन होता है, जब बांस वाला आगे पड़ेगा, हाँ ये रास्ता गया है, हाँ इन्हीं वो विनोद भाई का बांस है वो। अच्छा अच्छा, ये यही दो दुकान जो गोमती रखा गया है, हाँ? गोमती से जैस बगल गया है रोड, हाँ? वो आगे बांस मिलेगा, तो इसी पार पड़ेगा वो, हाँ इसी पार है। अच्छा तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीन रहता है अंकल, जब वो गुंजा अपनी सखी सहेलियों के साथ बर्तन आगे है, आगे आगे इसी नदी के साइड में ना, हाँ वो पहाड़िया दिखाई दे रहा है। अच्छा पत्थर, वो जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना जस्ट उसी के सामने इस पार बर्तन धुलती रहती है, हाँ हाँ, और उनके ऊपर वो नाव चढ़ा देते हैं। हाँ वो हमारे गांव की औरतें हैं। अच्छा उसमें तुम्हारे गांव की औरतें हैं। अच्छा जब वो नाव चढ़ाते हैं उसके बाद में जब वो कहते हैं बेद जी का घर बताइए, तब ये गांव थोड़ा कच्चा टाइप में था ना विजयपुर? हाँ विजयपुर कच्चा था, कच्चा वो जो ये रहते हैं चंदन और ओमकार, हाँ ये कच्चे घर में रहते हैं, कच्चे घर में उसमें फिल्म में दिखाया गया है। और ये लोग जब जाते हैं, जो गुंजा थी शीला थी, हाँ इनका पक्का घर था। अच्छा इस पार से नाव लेके जाते हैं वो जहाँ पे पत्थर टाइप का ना, हाँ, फिर उसके बाद गुंजा नाव को धक्का दे देती है, दे देती है, वो बह जाती है, फिर उसके बाद ओमकार नाव को निकाल के लाते हैं। तो वो उस पार चले गए अभी हम लोग विजयपुर, तो उधर का सीन आपको दिखाएंगे अंकल जी ने बताया है। और ये आप देख सकते हैं गोमती नदी है इस साइड में, यहीं से सारे सीन फिल्माए जाते हैं। तो अभी हम उसके पार जाएंगे, तो उधर पार के सीन है तो हम आपको दिखाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और अभी अंकल जी ये वाले अंकल जी मुझे एक लोकेशन पे लेके चलने वाले हैं। हाँ, और जो मतलब जो नदिया के फिल्म में जो डायरेक्टर वगैरह थे वो यहीं के थे? वो हमारे बड़े पिताजी थे, अच्छा बाबू राम जनक सिंह, अच्छा यहीं के थे इस पार, उस पार के थे, उस पार के रहने वाले। अच्छा अच्छा, तो वही डायरेक्टर थे? हाँ वो मैनेजर थे, राजश्री प्रोडक्शन के वो मैनेजर थे। अच्छा इसी वजह से फिल्म यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। हम आ गए हैं राई के खेत में, और अभी यहाँ पे राई उगा दी गई है, मतलब पहले नहीं ऐसा कुछ होता है। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं वो सीन जहाँ पे गुंजा बर्तन धुलती रहती हैं और वो नाव चढ़ा देते हैं यहाँ के चंदन। तो दोस्तों देख सकते हो वो जगह, देख रहे हो ना ये जगह, यहाँ पे ही नाव चढ़ा देती हैं, नाव चढ़ा देते हैं चंदन। तो यहीं का सीन होता है। अभी हम उस साइड जाएंगे, वो देखो नाव है ना, उस नाव से उस साइड जाएंगे हम, वहाँ से आपको दिखाएंगे। पहले हम आप एक बार दिखा देते हैं आपको, वहाँ पे जो देख रहे हो ना वो स्पॉट, वहाँ पे बर्तन धुलती रहती हैं
और चंदन जाते हैं, नाव चढ़ा देते हैं, और नाव जो फंस जाती है ना जाके उस साइड में फंस जाती है, सीन दिखाई देता है, स्क्रीन शॉट में हम मैच कर सकते हैं, इस प्रकार का सीन दिखाई देता है, नाव फंस जाती है, धक्का देते हैं। सबसे पहले हम आपको उस पार ले चलते हैं दोस्तों, क्लाइमेक्स के बारे में आपको बता देते हैं। जब चंदन गुंजा को छोड़ देते हैं उनके घर पे, और गुंजा को बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है, वो अपने बाल वगैरह संवारा करती हैं, बाल संवार के फिर आया करती हैं, वो जो रास्ता देख रहे हो ना उस साइड हम आपको बताएंगे चल के, बाल संवार के और चंदन का इंतजार करा करती हैं बड़ा बेसब्री से इस पार। और इस पार गाँव का नाम बलिहार रखा जाता है, और इस पार है कौन सा, चौबेपुर। तो अभी असली नाम विजयपुर है गांव का, और इस साइड में भी दूसरे गांव का नाम पता नहीं क्या नाम, गांव का नाम भूल गए हम। साइड में चौबेपुर, इस साइड में बलिहार, बट वो गांव एक ही होता है, खाली नदी के पार, नदी के पार बना दिया है। आने जाने का सीन जो होता है वो दिखा के नदी को पार करते हैं बार बार। तो चलेंगे वहीं पे जहाँ पे बर्तन धुलती है, जहाँ पे गुंजाई धक्का देती है, और अभी नाव हमारी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं उस पार, और झूले वाला भी सीन दिखाएंगे उस साइड में। तो चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं फिल्म में दिखाया गया ना उस, जब वो गुंजा बर्तन धुलती रहती है, अभी भी आज की यहाँ परंपरा वही है। और यहाँ पर नदी के किनारे देखो लोग बर्तन धुल रहे हैं। हम इन लोगों से पहले पूछ लिया कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो इन लोगों ने कहा वीडियो बना सकते हो, तो अभी उस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। और आज से 38 साल पहले वो फिल्म आई थी, तब भी बर्तन नदी के किनारे ही धुले जाते, तो आज भी बर्तन नदी के किनारे ही धुले जा रहे हैं। और ये है गोमती नदी। कितने साल हो गए, 38 साल हो गए फिल्म को आए आंटी? नहीं, 1982 में फिल्म आई थी। हाँ, 38 साल हो गए दोस्तों। ये तार के सहारे हम इस पार करा देंगे इन दोनों लोगों को, नदिया के पार ले चलेंगे। और पहले पीछे रहो, नहीं तो पलट जाएगी नाव इसी में। बैठे रहो चुपचाप, हलो मत। कौन आप, कहीं से लेके चले पीछे? ये यार, ये बोटिंग आगे बढ़ाते रहो यार, चलना आगे बढ़ाओ यार। तुम कहा कर रहे, तुम कुछ ना हुए, तुम टेंशन कहा लेते। बड़े परिश्रम के बाद हम आगे नदिया के पार चला रहे थे अपने हाथ से नाव। और अभी हम आपको दिखाएंगे वही सीन जहाँ पे वो झूला झूलते हैं चंदन और गुंजा, तो हम आपको दिखाएंगे। और सामने हमारे मूछों वाले ताऊ आ रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं, अंकल जी नदिया के पार इधर ही बनी? नदिया के पार इधर ही बनी, इधर ही बनी ना। हाँ। अच्छा, नदिया के पार में इस पार का सीन दिखाया जाता ना अंकल, इधर से उधर जाते हैं वो चंदन गुंजा? हाँ, तो अच्छा, अपने जमाने में जब आपने, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, देखा होगा उन लोगों को तो। हाँ, खूब। अच्छा, विजयपुर गांव में? हाँ, उधर ही शूट हुई ना? हाँ। अंकल आपका नाम क्या हुआ? मुसाफिर सिंह। मुसाफिर सिंह नाम है ना, धन्यवाद अंकल। तो अभी चल रहे हैं हम जहाँ पर चंदन और गुंजा झूला झूलते हैं, और गाना आता है गुंजा रे चंदन कब होगा हमार गठबंधन, इसी करके गाना रहता है। दीपक हंस रहे हैं, यार गाने ही ऐसा तो क्या कह रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको झूले वाला सीन। तो दोस्तों अभी हम उसी लोकेशन पे आ चुके हैं, और अभी हमने अंकल जी से मिलाया था ना, मूछ वाले अंकल से, देखा था आपने? हाँ वही। तो अभी आ गए लोकेशन पे, और चंदन गुंजा झूला झूलते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं ना, गुंजा रे चंदन कब होगा हमार गठबंधन मिलन, वही सब कुछ। तो भैया उसी लोकेशन पे खड़े हैं, और इतना कंफ्यूजन होने के बाद में हम आपके लिए एकदम से, जैसे ना न्यूज में बोलते हैं, सटीक और सही खबर लेके आए हैं, तो वैसे ही हम सटीक और सही लोकेशन आपके लिए लेकर आए हैं। 38 साल से पहले लोकेशन कितनी चेंज हो जाती है आप लोगों को पता ही होगा, कि पेड़ पौधे वहाँ का डेवलपमेंट, सोसाइटी सब कुछ है। तो अभी हम आपको स्क्रीन शॉट के जरिए आपको यहाँ पे मैच कराएंगे वो सीन। तो चलिए बैक कैमरे पे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, आप यहां से एंगल करिए, और इस पेड़ को आप मैच करिए, और इस पेड़ को मैच करिए। ये जब फिल्म शूट हो रही थी, स्क्रीन शॉट लगा दिया, वहां से मैच कर सकते हैं। तब कितने छोटे पेड़ हुआ करते थे,
तो यहाँ पे वो लोग झूला झूलते रहते हैं, इसी का सीन दिखाई देता है। और इस साइड में ये नदी हल्की हल्की दिख रही है, आप देख सकते हैं। हम एक बार जूम करके दिखा देते हैं हम आपको, वो देखो नदी हल्की हल्की। इस पेड़ का सीन दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन शॉट इमेज कर सकते हैं। और दूसरे एंगल से, कहाँ से एंगल होता है हम आपको बताते हैं, इस साइड का सीन दिखाई देता है। ये पेड़ तो नया उगाया है, और वो जो देख रहे हैं ना, वो मंदिर का गुम्बद जैसा बना है, ये चट्टान जैसी बनी है, स्क्रीन शॉट में ये भी मैच कर सकते हैं। चंदन और गुंजा झूला झूलते रहते हैं। तो अभी ये पेड़ सारे बड़े हो गए हैं, और कुछ पेड़ यहाँ पे कट कट भी गए होंगे। और ये आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विजयपुर विकासखंड मुफ्तीगंज जनपद जौनपुर। और ये सामने मंदिर नया बन गया है, देख सकते हैं दोस्तों, ये नया मंदिर बन गया है। और यही पेड़ है, यहीं पे झूला झूलते हैं, कहीं यहीं पे बरगद का पेड़ होगा, हमारी समझ से वो कट गया है, यहीं पे झूला डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं, यहीं पे पेड़ था वो। और यहाँ का सीन दिखाई देता है सारा, तो दोस्तों देख सकते हो। और इस गुम्बद से आप समझ सकते हैं यहीं का सीन होता है, स्क्रीनशॉट में परफेक्ट मैच कर सकते हो, और इन पेड़ों को भी मैच कर सकते हो। एक सीन यहाँ से परफेक्ट एंगल किया गया, ये चबूतरा ना उसमें दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सीन आता है जब वो चंदन झूला झूलते रहते हैं, और पीछे ये गुम्बद दिखाई देता है, और ये चबूतरा पुराना है। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ का मंदिर कैसा है। चलिए दोस्तों, ये नया मंदिर बन गया कुछ इस प्रकार का, देख सकते हैं दोस्तों। काफी यहाँ पे शांत वातावरण है, यही का सीन है, देख सकते हैं, काफी अच्छा मंदिर बना हुआ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने आपको दिखाया जहाँ पे गुंजा बर्तन मांजती हैं और जहाँ पे नाव चढ़ा देते हैं चंदन। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना वीडियो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमने आपको दिखाया जहाँ पे गुंजा झूलती रहती है, और ये मंदिर नया बन गया, आप पीछे देखा ही होगा वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना प्यार बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दमादम शेयर कर दें।